टू फाशियास कुकिंग। तो देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं देसी स्टाइल मसाला पुलाव, और इसकी वेजिटेबल्स बहुत इजी है। रेगुलर जैसे हमने यहाँ पर गिली तुअर लिए हुए, फ्लावर, थोड़ी सी गाजर, पीस, आलू, ये हमारी वेजिटेबल्स है। साथ ही इसके साथ मसाले हैं जो रेड चिली पाउडर है, फिर तीखा रेड चिली पाउडर, कश्मीरी पाउडर, धनिया पाउडर, और ये बाहर का गरम मसाला है, आप कोई भी ब्रांड का ला सकते हैं। रेगुलर गरम मसाला पाउडर, जीरा है और राई है, गरम मसाले में एक बड़ी इलायची, तेज पत्ता और एक दो लौंग है, और ये है हमारी राइस। साथ ही में इसके दो टमाटर, करी पत्ता, अनियंस। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर। ये देखिए कांदे हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ये पुलाव हमारा बहुत ही इजी और झटपट बनने वाला है। लाइक जो भी हमारे घर के इंग्रेडिएंट है उसी में बनेंगे, जो हमारे चॉइस ऑफ वेजीज है वो, और सिंपल बेसिक मसाले, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजीली हम बना देंगे। तो देखिए हमारे मसाले हमने अभी ऐड कर दिए हैं, हमने साथ ही में टमाटो भी ऐड कर दिए। अब हमारी वेजीज ऐड करेंगे हम। अब हमने अपना करी मिर्च भी ऐड कर दिए है। तो अभी हमने राइस ऐड कर दिए, साथ ही में हमने इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दिए है, पानी हमने डाल दिए है, साथ ही में हम इसमें एक लेमन ऐड करेंगे थोड़ा टेस्ट के लिए। बस अभी हम इसे विसल लेंगे। तो ये देखिए हमने लास्ट में कोरिएंडर ऐड कर दिए है, धनिया। अब हम इसे 3 विसल लेंगे और फिर हमारा देसी पुलाव बनके रेडी हो जाएगा। वेलकम बैक। तो ये देखिए हमारा देसी पुलाव बनके रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। हेलो, वेलकम बैक। तो ये देखिए हमारा देसी पुलाव, वेज पुलाव बनके रेडी हो चुका है, और जैसे मैंने सर्व की हूँ हमारे होममेड बिमली पिकल के साथ, रायता एंड पापड़, और ये बहुत अच्छा बना है। एंड एज यू नो कि मैं बेसिक कुकिंग करती हूँ, तो जैसे हमारे घर में डेली जो खाना बनता है मैं हमेशा अपने खाने में ट्विस्ट करती हूँ, लाइक कुछ ना कुछ चेंजेस, और आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ। तो आइए फाशा के साथ खाने, एंड प्लीज़ एंजॉय माई वीडियोज़। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं टेस्टी टेस्टी रेसिपी के साथ।